हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर ने भी दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। मंगलवार को 2 बसें दिल्ली रूट पर भेजी गई थी। यात्री भी दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू होने से काफी खुश नजर आए। त्योहारी सीजन को देखते हुए निगम के और भी रूट दिल्ली के लिए बढ़ सकते हैं। बता दें कि HRTC डिपो हमीरपुर ने चंडीगढ़ हरिद्वार के बाद अब दिल्ली के लिए भी बस सेवा शुरू कर बहाल कर दी है। मंगलवार से ही 2 रूटों पर बसों को भेज दिया है ताकि यात्रियों को दिल्ली पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत ना आए। इनमें हमीरपुर से दिल्ली भाया धनेटा बस शाम 5:20 पर और बस अड्डा हमीरपुर से दिल्ली के लिए रवाना होगी और यात्रियों को रात 3:30 बजे के करीब दिल्ली पहुंचाएगी। बस उसी दिन दिल्ली से रात 9:20 पर हमीरपुर के लिए रवाना होगी और यात्रियों को सुबह 7:30 बजे के करीब हमीरपुर उतारेगी। इसके अलावा हमीरपुर से दिल्ली बाया वाह देवी बस सेवा 3 बजे बस अड्डा हमीरपुर से चलेगी। वाह देवी से 4:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी जो कि बस्ती उखली बड़सर होकर सुबह 5:30 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेगी। बस उसी दिन शाम 7 बजे दिल्ली से उसी रूट होते हुए सुबह 7:30 पर हमीरपुर पहुंचेगी। दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू होने से लोगों ने भी राहत की सांस ली है क्योंकि उन्हें चंडीगढ़ से बस बदलकर दिल्ली पहुंचना पड़ रहा था। अब वे हमीरपुर से सीधे दिल्ली ही उतरेंगे। ऊपर से त्योहारी सीजन होने के चलते निगम की बसों में भी यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके चलते निगम भी घाटे से उबरने में लगा हुआ है ताकि कुछ हद तक रूटों पर कमाई हो सके। के द्वारा आज दिनांक 3 नवंबर से 2 बसें जो है दिल्ली के लिए चलाई जा रही हैं। एक बस 3:10 पे हमीरपुर से दिल्ली के लिए चलेगी जो वाया अवा देवी बस्सी उखली मंगोट होती हुई दिल्ली जाएगी और ये बस दिल्ली से शाम को 7 बजे वापिस जाएगी और इसी रूट से वापस आएगी। दूसरी बस जो है हमीरपुर से 5:20 पे चलेगी दिल्ली को और ये वाया धनेटा जाएगी और दिल्ली से शाम को ये 9:10 पे शाम को चलेगी। तो ये दोनों बसें जो है फिलहाल नाइट सर्विसेज है, दोनों साइड से ये रात के समय ही चलेगी। इन दोनों बसों का यदि रिस्पॉन्स अच्छा रहा, हमें सवारी मिली, तो निश्चित तौर पर बसों की संख्या जो है बढ़ाई जाएगी।